जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ स्थित मनोहर गौशाला में प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा जन कल्याणक एवं गौशाला का नौवां स्थापना दिवस, जो कि 18 दिसंबर को भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में पार्श्व प्रभु की भक्ति के साथ जीव रक्षा के भी अनेकों पुण्य कार्य किए गए। तो चलिए लिए चलते हैं आपको भी मनोहर गौशाला की ओर और दिखाते हैं इस मनोहर कार्यक्रम की अनुपम झलकियाँ। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित मनोहर गौशाला, जहां गौ माता का पालन पोषण किया जाता है, जीव रक्षा जीव दया के नेक कार्य किए जाते हैं। इस पवित्र पावन धरा पर विश्व में अद्वितीय अद्भुत छवि प्राप्त कामधेनु गौ माता भी विराजती हैं, जिनकी लंबी पूंछ होने की ख्याति गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ऐसी पवित्र पावन धरा पर प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा जन्म कल्याणक एवं गौशाला का नौवां स्थापना दिवस भक्ति के साथ मनाया गया। नरेन्द्रम फणीन्द्रम सुरेन्द्रम अधीशम क्षतेन्द्रम सुपूजे भजेनाथ शीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमे जोड़ि हाथम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम। काल श्री प्रशांत सागर जी महाराज साहब और शासन रत्न सागर जी महाराज साहब के सानिध्य में प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की संगीतमय पूजन की गई। रतलाम खाचरौद से पधारे विधिकारक पंकज चोपड़ा जी ने विधि विधान पूर्वक पूजन सानंद संपन्न कराया। शांतिनाथ जी मोटा देव सुर नर सारे जेहनी से शांतिनाथ को कीजे जाप करोड़ भवारा काटे पाप। शांतिनाथ जी मोटा देव सुर नर सारे जेहनी से दारी दर जावे दूर सुख संपत्ति होवे भरपूर ठग फांसी गर जावे भाग। सभी श्रद्धालु भक्त हाथों में चंवर ढुराते हुए भक्ति में लीन नाचते गाते हुए नजर आए। जावे दूर सुख संपत्ति होवे भरपूर ठग फांसी गर जावे भाग बढ़ती हो वे शीतल आग। राजलोक मां कीर्ति धनी शांति जिनेश्वर माथे धनी जो ध्यावे प्रभु जीरो ध्यान राजा देवे अधिको मां। राजलोक मां कीर्ति धनी शांति जिनेश्वर माथे धनी जो ध्यावे प्रभु जीरो ध्यान राजा देवे अधिको मां। दर्शकों, इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी भी पधारे। ट्रस्ट मंडल ने उनका भव्य स्वागत किया। गौशाला में प्रवेश कर महंत राम सुंदर दास जी ने सर्वप्रथम भगवान पार्श्वनाथ की मनोहारी प्रतिमा के दर्शन किए और फिर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। दोखी दुश्मन लागे पाए सघलो भाग्यो मन रो भर्म पामो समकित काटो कर्म।
सुनो प्रभु मोरी अरदास, हूँ सेवक तुम पूरो आश, मुझ मन चिंतित कार्य करो, चिंता आरती विघ्न हरो, सुनो प्रभु मोरी अरदास, हूँ सेवक तुम पूरो आस, मुझ मन चिंतित कार्य करो, चिंता आरती विघ्न हरो। पूजन और चढ़ावा चढ़ाने के बाद भक्तों ने प्रभु की आरती भी उतारी। आरती के बाद गौशाला का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में शशत नमन वंदन करते हुए इस भूमि में जो भूमि देव हैं, क्षेत्र देव हैं, जो जागृत हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। इस भूमि में विराजित जो कामधेनु माता है, यूं कहूं कि जब से ये आई है तब से जो हमारा चारों तरफ जो कार्य हो रहा है, विस्तार हो रहा है, उस कामधेनु माता को सत सत नमन वंदन करता हूं। कार्यक्रम में आगे छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी एवं अन्य सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में खैरागढ़ की विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा भी पधारी, उन्हें भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से दाऊ वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय के कुलपति नारायण पुरुषोत्तम दक्षिणकर, रजिस्ट्रार आर के सोनवने, चांडक जी बीकानेर, रायपुर समाज सेवी राजेश जी बरलोटा, अशोक तातेड़, महेंद्र लोढ़ा, राजेंद्र डाकलिया आदि लोग उपस्थित थे। अच्छी जिंदगानी आपकी, अच्छे काम कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखे सबक, लोग भी सीखे सबक सुनकर कहानी आपकी। हमने सोचा भी नहीं था कि खैरागढ़ में ऐसी गौशाला बनेगी, हमको ऐसा सेवा करने का मौका मिलेगा, और हमारे जो पद्मावती माता जी का भी इतना आशीर्वाद
लगती, जब जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नया होने वाला है। यही कहना चाहता हूँ कि भविष्य में आप मल्ला मोर से कोई भी जरूरत महसूस वही आप मल्ला सहयोग के या कोई भी बेझिझक हो के आप मन अपन बहन तो बना दे हो, लेकिन जिन दिन आप मन अपन बहन से काम लो वो दिन जानू कि आप मन मोर सच्चा बहन स्वीकार करे हो। और मैं यहाँ गौ माता से मैं यही कामना करत हूँ कि आप सबके जीवन हमेशा खुशियों से भर रहे, गौ माता के आशीर्वाद आप सबके ऊपर बने रहे। कि पांडव काल में आज हम जैसे यूनिवर्सिटी से डिग्रियां बांटते हैं, तो पांडव काल में जो डिग्री मिलती थी वो किसने कितना गोदान किया और कितना कौन गोपालन कर रहा है उसके ऊपर मैं उस आदमी की डिग्री निर्भर करती थी। ये एक गौ माता में 35 कोटि देवताओं का वास भी होता है। यदि हमने एक गौ माता का सेवा कर लिया तो समस्त देवी देवताओं का सेवा करने की जो फल है उसकी प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को ऋषि संस्कृति या कृषि संस्कृति वाला कहा गया है, और ऋषि और कृषि दोनों के लिए गौ माता की उपस्थिति नितांत आवश्यक। पद्मन जी गाकलिया बहुत ही अच्छे ढंग से मनसा वाचा करवणा इस सेवा में और आगे बढ़ के कर सकें, ऐसी गौ माता उन्हें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। जिस प्रकार सावभगत स्वागत और सम्मान आपने किया है, इस मनोहर का सभी समिति के सदस्यों ने किया है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। भगवान पार्श्वनाथ जी से गौ माता जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सब सुख शांति से रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, दुख दर्द आप सबसे कोसों दूर रहे। इसी भावना इसी कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। प्रेम सोले श्याम रामचंद्र की, गौ माता की। मंगल अवसर पर गौशाला में निर्मित फलस अमृत को नई पैकिंग में रिलॉन्च किया गया। गौशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी अखिल जैन पदम डाकलिया ने बताया कि यह फसल अमृत किसानों को अब तक हजारों लीटर निशुल्क वितरण किया जा चुका है। गौ माता की सेवा हम जितना ही करें वह कम है, तो इस नाम से ज्यादा से ज्यादा गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और निश्चित रूप से आज जब तक के गाय दूध देती है तब तक तो लोग उसको अपने घर में रखते हैं, दूध देना बंद कर देती है तो लोग उनके लिए अपने दरवाजे घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। यह स्वभाव नहीं होनी चाहिए। गाय हमारी माता है तो दूध दे तब भी ना दे तब भी गौवंशियों का हमको पूरी सेवा करनी चाहिए। मुझे बड़ा हर्ष है, आज पूरी मनोहर गौशाला खैरागढ़ की टीम आज छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय राम सुंदर दास जी जो गुरुदेव के रूप में हैं और यहाँ पधारे हैं, मैं पूरी गौशाला की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और आपने गौशाला को यथासंभव सेवा करने का जो कार्य बोला है बहुत बढ़िया है। साथ में कुलपति महोदय भी हैं जिन्होंने जैसा गौशाला को रिसर्च में जरूरत चाहिए वैसा जरूरत देने के लिए वो तैयार हैं। बड़ी खुशी का दिन है, भगवान पार्श्वनाथ का जन्मोत्सव, गौशाला का 9वां स्थापना दिवस और नवीन गौशाला का जो हॉस्पिटल निर्माण चल रहा है उसका अवलोकन जो आज हम कर रहे हैं, निश्चित ही हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। ये पशु चिकित्सालय कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये पशु चिकित्सालय वैसे प्लिंथ लेवल पे आ गया है। हमारा यह मन है कि यथासंभव जितनी जल्दी से जल्दी बने, बाकी यहाँ पे सेवा और चिकित्सा का कार्य तो 7 वर्ष से जारी ही है। गौ माता की हमें सेवा करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए है। साथ ही में अगर आपको एक मिनट के लिए भी लग रहा है कि अब हम इनकी सेवा नहीं कर सकते तो आप इस मनोहरा गौशाला में दान करिए, मंदिर में दान करिए, यहाँ पे बहुत सेवा भी होती है, देख सकते हैं इतने अच्छे तरीके से रखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कहा कि इस गौशाला में कामधेनु माता विराजती हैं जिनकी शारीरिक बनावट विलक्षणताओं से परिपूर्ण है। गौ माता सूखी घास और जल पीकर अमृत तुल्य दूध प्रदान करती हैं जो कि मनुष्यों पर बहुत बड़ा उपकार है।
कार्यक्रम में गौशाला के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की गई, जिसमें 1100 गौवंश के लिए शेड एवं पशु चिकित्सालय का निर्माण मुख्य रूप से किया जाएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आप भी मनोहर गौशाला में दान देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जीव दया और जीव रक्षा के ऐसे पुण्य कार्य में अपना सहयोग अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।